आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के ताइपाई शहर के मत्सुयामा एयरड्रोम में 18 अगस्त को एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। ये कहानी आप और मैं सदैव से इतिहास की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, किंतु इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई थी? और अगर नहीं तो फिर नेताजी कहाँ थे? जानेंगे इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनबाय स्टॉक्स। तो जी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तथाकथित प्लेन क्रैश थ्योरी असल में है क्या। 14 अगस्त को नेताजी सिंगापुर में थे, वही उन्होंने अपने बंगलों पे आईएनए के लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग का मुद्दा ये था कि क्या कल यानी 15 अगस्त को आईएनए को जापानी सेना के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करना चाहिए या एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में। जिस मीटिंग से ये बात निकल के आई कि आईएनए को एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करना चाहिए, इस बात को जापानी जनरल हेडक्वार्टर सिंगापुर तक पहुँचाया गया। किंतु अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे उन सब लोगों को वापस वहां इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि जापानीज कमांडर उनको एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में सरेंडर करने की परमिशन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनको ना तो टोक्यो से कोई इंस्ट्रक्शन था, ना ही वो टोक्यो से वायरलेसली कनेक्ट कर पा रहे थे। इसके बाद ये तय किया गया कि नेताजी को स्वयं टोक्यो जाकर सरेंडर के तौर तरीकों पर बात करना चाहिए। इसके लिए नेताजी और उनके साथी 16 अगस्त की सुबह 9:30 बजे बैंकॉक के लिए निकले। बैंकॉक से वो साइगोन, जो कि आज का हो ची मिन सिटी है, वहां के लिए रवाना हुए। 17 अगस्त की दोपहर को नेताजी साइगोन पहुंचे। ये प्लेन से उतरते हुए उनकी आखिरी फोटो ली गई थी। साइगोन में जापानीज ऑफिसर ने नेताजी को ये इन्फॉर्म किया कि उनके और उनके लोगों के लिए एक अलग सेपरेट प्लेन की व्यवस्था नहीं करी जा सकती, क्योंकि एलाइज ग्रुप जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएस थे, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट जिसने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनकी परमिशन के बिना कोई प्लेन नहीं उड़ाया जाएगा। हालांकि एक प्लेन जल्द रवाना होने वाला था जिसमें एक सीट अवेलेबल थी। थोड़े समय बाद जापानीज ऑफिसर ने नेताजी को ये इन्फॉर्म किया कि एक और सीट का अरेंजमेंट करवाया जा सकता है। इसके बाद नेताजी ने अपने सबसे विश्वासु आदमी हबीबुर रहमान को अपने साथ चलने के लिए कहा। 4:30 बजे के आसपास नेताजी, हबीबुर रहमान और उनके साथी साइगोन एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एक मित्सुबिशी KI-21 बॉम्बर रेडी था, क्योंकि एक बॉम्बर था इसमें ज्यादा सीट अवेलेबल नहीं थी और अधिकांश से ज्यादा पैसेंजर फर्श पे ही बैठे हुए थे। 7 बजे के आसपास ये तोरेन साउथ वियतनामी कोस्ट पे उतरा और वहीं अगले दिन सुबह फिर से यात्रा को शुरू किया गया। दोपहर 2 बजे के आसपास ये बॉम्बर मत्सुयामा एयरड्रोम ताइहोकू, जो कि आज का ताइपाई शहर ताइवान है, वहां पे उतरा। यहाँ एक बात ये जान लेते हैं कि शहनवाज कमेटी के सामने हबीबुर रहमान ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि क्योंकि उनको बहुत ठंडी लग रही थी इसलिए उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे थे, किंतु वही नेताजी ने केवल एक पतली कॉटन की खाकी पहन रखी थी। 2:30 बजे के आसपास बॉम्बर ने फिर उड़ान भरी और नेताजी पेट्रोल टैंक के पास बैठे थे। जैसे ही बॉम्बर ने उड़ान भरी उसमें एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी और बॉम्बर में आग लग गई। आगे क्या हुआ इसको समझने के लिए हबीबुर रहमान की शहनवाज कमेटी के सामने दी गई स्टेटमेंट को रेफर करते हैं। नेताजी के सिर में चोट लग गई थी लेकिन वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, किंतु वहां एक इंच भी रास्ता नहीं थी जिससे हम बाहर निकल सकें। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो नेताजी की खाकी पर पेट्रोल की बौछार हुई और उसमें आग लग गई। नेताजी आग की लपटों के बीच से उछल पड़े। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि वह मुझसे लगभग 10 गज आगे खड़े और उनके कपड़े जल रहे थे। मैं उनकी तरफ दौड़ा और मुझे उनकी बेल्ट खोलने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ। उनका चेहरा झुलस गया था, उनके बालों में भी आग लग गई थी और सिर पर एक गहरा कट था। कुछ समय बाद नेताजी को एक लॉरी में शिफ्ट किया गया। वहीं तकरीबन 3 बजे नेताजी, हबीबुर रहमान और बाकी सब पैसेंजरों को ननमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां तकरीबन 9 बजे नेताजी ने अपनी अंतिम सांस ली। वहीं 19 अगस्त को अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया और 5 सितंबर तक उनके अस्थि कलश को जापान भेज दिया गया, जहां उनकी अस्थि कलश को रंकोजी टेम्पल में रखा गया था। नेताजी की मृत्यु की खबर सबसे पहले जापानीज न्यूज एजेंसी के माध्यम से 23 अगस्त को प्रकाशित हुई। वहीं भारत में एक खबर सबसे पहले 24 अगस्त को प्रकाशित की गई। अभी आप हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज की फोटो देख सकते हैं। चलिए अब ये तो बात हुई तथाकथित प्लेन क्रैश थ्योरी की जो आपने और मैंने सुनी है, किंतु इसमें क्या क्या लूप होल्स है, कौन कौन से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जो इसको केवल एक काल्पनिक कहानी बना देते हैं, अब इस पे चलते हैं। नेताजी की मिस्टीरियस डेथ पे आज तक
एक कमेटी और दो कमीशन का गठन हुआ, जिनमें से सबसे पहली थी शहनवाज कमेटी, दूसरी खोसला कमीशन और तीसरी, जिसने 2005 में अपनी रिपोर्ट भी पेश करी, मुखर्जी कमीशन। सबसे पहला लूपहोल यह है कि 17 अगस्त की शाम 5 बजे नेताजी हबीबुर रहमान ने साइगोन से एक बॉम्बर में उड़ान भरी। वो ऐसा क्यों करते जबकि उनके पास स्वयं अपना एक पर्सनल 12 सीटर ट्विन इंजन प्लेन मौजूद था, जिसमें INA के अधिकार चिन्ह तक था। PS फिन्नी, जो कि एक टॉप IB ऑफिसर थे, उन्होंने अक्टूबर 1945 में ये रिपोर्ट भी की थी कि नेताजी के प्लेन को साइगोन से आगे नहीं जाने दिया, किंतु इनके क्या रीजंस थे ये अभी तक पता नहीं चल सके। वहीं उन्हीं PS फिन्नी ने एक डॉक्यूमेंट ये भी रिपोर्ट किया था कि 17 अगस्त यानी नेताजी की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले जैपनीज ऑफिसर ने एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ये बात की कि कैसे नेताजी को सुरक्षित सोवियत रशिया तक पहुंचाया जा सके। चैप्टर 1 में हमने ये देखा था कि एलाइज ग्रुप ने जैपनीज गवर्नमेंट, जिसने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनकी परमिशन के बिना कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। किंतु वहीं शाहनवाज कमेटी के सामने मत्सुयामा एयरड्रोम के ग्राउंड इंजीनियर कैप्टन नाकामुरा ने यह स्टेटमेंट दी थी कि जैपनीज फ्लाइट पर रिस्ट्रिक्शन पहली बार 25 अगस्त को लगाया गया था, यानी नेताजी की उड़ान भरने के केवल 8 दिन के बाद। वहीं 18 अगस्त की दोपहर 2 बजे जब नेताजी का बॉम्बर ताइपाई शहर में उतरा, तो नेताजी को रिसीव करने कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिसर नहीं आया था, जो कि स्वयं में संभव नहीं है, क्योंकि नेताजी उस समय साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े लीडर थे, जिनसे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश थर थर कांपते थे। और ये बात स्वयं में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, और इस बात को शहनवाज कमेटी तक ने माना था। वहीं चैप्टर 1 में हबीबुर रहमान ने यह बताया था कि क्योंकि उनको ठंडी लग रही थी, इसलिए उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन नेताजी ने केवल एक पतली कॉटन की खाकी पहनी थी। अब भाई अगर लॉजिकली देखें तो हबीबुर रहमान एक 28 वर्ष के युवा कश्मीरी थे और नेताजी एक 48 वर्ष के बंगाली। अब एक 28 वर्ष के कश्मीरी को ठंडी लग रही है, लेकिन एक 48 वर्ष के बंगाली को नहीं, ये स्वयं सोच से परे है। वहीं हबीबुर रहमान ने यह भी बताया था कि नेताजी के कपड़ों में आग लग गई थी और उन्हीं ने उनके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश भी की थी, किंतु उन्हीं हबीबुर रहमान ने 1967 में शाहयार खान को एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं जलते हुए प्लेन के पास दौड़ा तो मैंने नेताजी की बुरी तरह आग से झुलसी हुई बॉडी को प्लेन के बाजू में पाया। वहीं जनरल ताकाहाशी ने शाहनवाज कमेटी के सामने ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने नेताजी को कोट उतारते हुए देखा, किंतु हबीबुर रहमान के हिसाब से तो नेताजी ने कोई कोट नहीं पहना था। ये सब स्टेटमेंट आपस में इतने विरोधाभासी हैं कि इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। सबसे पहले 24 अगस्त को जब ये बात भारत में पता चली, हर जगह शोक का माहौल था। नेहरू, गांधी, पटेल, हर कोई शोक संदेश व्यक्त कर रहे थे, किंतु अमेरिकन और ब्रिटिशर को पहले से इस बात पे बहुत डाउट था। इस कंट्रोवर्सी की सबसे पहले शुरुआत 29 अगस्त से हुई, जब अल्फ्रेड वेब, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने नेहरू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उन्होंने 4 दिन पहले यानी 25 अगस्त को नेताजी को साइगोन शहर में देखा था। नेहरू जी स्वयं इस बात को सुनके चकित हो गए, किंतु आगे चल के 11 सितंबर को नेहरू जी ने स्वयं झांसी में भी ये बात कही थी कि नेताजी की मृत्यु नहीं हो सकती और वो अभी भी जीवित है। वहीं गांधी जी के द्वारा 30 मार्च 1946 का ये लेटर, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि नेताजी की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने स्वराज के सपने को पूर्ण नहीं कर सकते। आपको ये लेटर कलेक्टिव वर्क्स ऑफ गांधी वॉल्यूम 90 में मिल जाएगा। वहीं जब मुखर्जी कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही थी, उस समय 2005 में ताइवान की सरकार ने ये ऑफिशियली बताया था कि 14 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक मत्सुयामा एयरपोर्ट पे कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, ना कोई दुर्घटना हुई थी, फिर नेताजी का प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है। इस रिपोर्ट को BBC जैसी न्यूज एजेंसी ने भी कवर किया था। जस्टिस मुखर्जी जनवरी 2005 में ताइवान गए, जहां उन्होंने ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर से अगस्त 1945 के क्रिमिशन रिकॉर्ड उनके सामने प्रस्तुत करने को कहे। 27 जनवरी को वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने जस्टिस मुखर्जी को 17 अगस्त से 27 अगस्त के क्रिमिशन रिकॉर्ड उनके सामने पेश किए, जहां पे 273 लोगों का नाम था, लेकिन वहां पे ना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम था, ना ही उस प्लेन क्रैश में मरे हुए किसी भी व्यक्ति का नाम था। वहां केवल एक नाम था, इचिको ओकुरा का। वर्ष 1955 में भी जैपनीज गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को यह बताया था
कि डेथ सर्टिफिकेट इचिको ओकुरा के ही नाम का है। वहीं पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्टर की रिपोर्ट, क्रिमिशन परमिट और क्रिमिटोरियम रजिस्टर में एंट्री भी इचिको ओकुरा के ही नाम की है। वहीं इन सब बातों से ये भी समझा जा सकता है कि रंकोजी टेम्पल में जो अस्थि कलश पड़े हैं वो भी इचिको ओकुरा के ही हैं। चलिए, इन सब एविडेंसों से ये तो साबित हुआ कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में तो नहीं हुई है, किंतु फिर नेताजी कहाँ थे? अब इसके बाद दो थ्योरियाँ बचती हैं, जिसके अनुसार या तो नेताजी रशिया में थे और वहाँ पे चाचा नेहरू के कहने पे स्टालिन ने उन्हें मार दिया, और वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो वर्ष 1985 तक अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में रहे। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा लॉजिकल है, ये आपको बहुत ही जल्दी एक फुल फैक्ट वीडियो के साथ बताएंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं धनबाद स्टॉक्स। जय हिंद, जय भारत।